सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो भाई मैं आपको बता दूं, टाइम हो चुका है आई थिंक पौने एक हो चुके हैं और हम लोग आज है आदित्य का बर्थडे। सुबह से फोन ही बंद आ रहा है भाई, वीआईपी साहब का सुबह से फोन बंद कर रखा है उसने। उसको एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है ज्यादा, बट मैं उसको बोल रही थी भाई केक वेक तो ले आ ऐसा करके, बट वो बोल रहा नहीं मेरे पसंद नहीं है केक कट करना ये वो। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि सुबह ही आज हमने लव स्टोरी वीडियो शूट किया है, वो आप देख चुके होंगे अभी तक। मैंने वो जैसा भी एडिट किया है और अब हमें करना है मकबैंग शूट, तो उसकी तैयारी सारी रेडी हो चुकी है, सब कुछ रेडी है। ये थोड़ा सा हम शूट कर लेंगे मकबैंग का, तो आपको दिखा देंगे कि क्या क्या बना है। फिलहाल यहाँ पे यशु पता नहीं क्या करने में लगी हुई है। अरे ये क्या कर रही है तू? तोड़ दिया? नहीं, टूटा नहीं है, उस दिन से तो निकल रहा है, ये तो निकल रहा है, उस दिन से ये तो बता रही मैं लगा दूंगी, छोड़ दे। और ये मेरे महाराज से मिल लो, पहले मेरी बेटी से मिल लो। गुड मॉर्निंग हो गई। सुबह तो मेरे को बहुत गुस्सा कर रहा था, पता नहीं क्यों सुबह क्यों गुस्सा कर रहे थे आपको निन्नू, इसको जब नींद आती ना तब गुस्सा करता है। गाइस से तो मिल ले, जब तक मेरे से मिल लो गाइस। हाय कैसे हो? हाय गाइस, हाय गाइस, इधर आने दो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या ऐसा कौन शूट करता है मम्मा को? पकड़ ले। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आई नो आप मेरी गुड मॉर्निंग बहुत मिस कर रहे होंगे, मुझे पता है ये चीज। और भाई मैं अभी आपने देखा होगा कि वो निकल चुका है, तो मैं वो सही कर रही थी, तो मेरे हाथ काले काले हो गए देखो। और खाना पूरा रेडी हो चुका है क्योंकि मकबैंग शूट करना है, तो वो आपको देखने मिलेगा मकबैंग वाली वीडियो में। आई नो आप बहुत सारा प्यार वहां पे दे रहे हो, लेकिन व्लॉग में कम कम दे रहे हो, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको क्या करना है गाइस, व्लॉग में ज्यादा ज्यादा प्यार देना है। चलो, और एक कोई तो बोल रहा था कि हर वक्त आप ऐसे कंप्लेंट नहीं कर सकते व्यूज को लेके। बिल्कुल कर सकते हैं कंप्लेन, हम अपनी फैमिली से, हमारा हक है, हमारा हक है कंप्लेन करने का, हक से करते हैं। जैसे हमारे परिवार को हक है हमसे कंप्लेन करने का, वैसे हमारा हक है कंप्लेन करने का। जिनको ये ऐसा हर वक्त वाला लग रहा है वो हमारे परिवार का हिस्सा है ही नहीं और हमको बनाना भी नहीं है, तो आप बिल्कुल यहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जहाँ पे लगेगा कंप्लेन करनी है वहाँ पे कंप्लेन करेंगे, जब हम इतना प्यार कर सकते तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते गाइस। बताओ, जाने दो यार, ये चुड़ोकले लोग होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। सो गाइस, यहाँ पे चल रही है भाई प्रिपरेशन मकबैंग की, और आज देख लो बने हैं। ओ माय गॉड, आई कांट, जान बहुत ज्यादा डाल दी सब्जी, इतनी सब्जी थोड़ी खाऊंगी मैं, बहुत ज्यादा है ये, कम इसमें से ले लो थोड़ी सी तू। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, मटर पनीर और चावल, और यहाँ पे हमारे पास रोटी भी है और सैलेड भी है, क्योंकि काफी लोग है ना हमें ये बोल रहे थे कि कुछ सिंपल रोटी सब्जी खाओ। मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था, तो रोटी सब्जी सिंपल भी खाओ एक दिन, तो उस चक्कर में फिर हमने आज मटर पनीर चावल और रोटी भी बनाई है, साथ में सिंपल रोटी रागी वाली। भाई चलो आज करेंगे मकबैंग, एकदम टेस्टी होने वाला है भाई। चलो भाई, चलो जल्दी जल्दी कर लेते, अलग से सब्जी तो डालने की जरूरत नहीं है ना, बहुत है आई थिंक, है ना। चलो गाइस फिलहाल सेटअप पे अपने लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चल लगा दे, तू ही लगा दे भाई, ये जो दिख रहा है ना, सही बता रही हूँ मैं, एक नंबर दिख रहा है यार गाइस। चलो बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी अभी जस्ट हमें एक कोरियर मिला है, और ये कोरियर आया भाई लुधियाना से, यानी कि घर से। और अभी पहले फिलहाल मुझे नहीं पता इसमें क्या है, सच में मुझे नहीं पता क्या है, तो फिलहाल इसको भी खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। वहां से नहीं खोल सकते क्योंकि वहां पे एड्रेस है, एड्रेस हटा देती हूँ फिर खोल। इसमें कुछ है भी सही? लव लेटर भी भेजा है? मैं पढ़ रही हूँ ना, नंबर लिखा हुआ है उसमें, इसलिए दिखाने तो मैं नंबर नहीं देखूंगी। गाइस ये देखो, बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने एक पत्र भेजा है जो कि मैं आराम से पढ़ूंगी। हाँ नीचे नंबर है, तो वो हाइड हो चुका है। नाम तो पढ़ने दो मुझे। निमिषा कुंती, कुंती कहाँ से? कुंती राजकोट गुजरात। दोस्तों यशु एंड पायल, कैसे हो आप? मैं गुजरात से राजकोट सिटी से निमिषा कुंती लिख रही हूँ। आपके ब्लॉग में जब आपकी शादी हुई और न्यूज में आया, तब से देख रही हूँ आपको। थैंक यू सो मच निमिषा जी। और हम जब भी गुजरात आएंगे सोमनाथ, जो कि मुझे आना है इनके साथ, तो हम जरूर मिलेंगे आपसे। फाइनली भाई दिखा देती हूँ, ऐसे ही पलट के रखो पूरा। गाइस देखो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, और ये पूरी हमारी जर्नी है। वहाँ से हाथ हटाओ पहले, जर्नी वहाँ से लास्ट फोटो तो दिख नहीं रही। तो गाइस फर्स्ट मुलाकात वाली, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ में शादी कर ली, फिर एनिवर्सरी भी मना ली। यहाँ पे वो डाला है इन्फिनिटी वाला, और ये है टुगेदर फॉरएवर। यस मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निमिषा, थैंक यू सो मच, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गिफ्ट है, और हम इसको किसी ना किसी वॉल पे तो हैंग करेंगे। अब मेरे को लगता है यहाँ पे सेट बैठेगा एकदम, तो सेट बैठेगा, टेढ़ी है फोटो, सीधी है बिल्कुल, ठीक है सीधी है, कोई बात नहीं।
माननी पड़ेगी भाई, अब क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है ना कोई और, ऑप्शन नहीं है ना गाइस कोई और, मानना ही पड़ेगा कि विक्की यार मत बनो यार फालतू में डुबो। नहीं भाई नहीं, मेरे को नहीं बनना तुम जैन की, क्या बात हो गई भाई, मानना ही पड़ेगा वो, मैं नहीं चाहती कि तुम विक्की जैन बनो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच निमिषा जी, और बिल्कुल हम गुजरात आएंगे और जरूर आपसे बात करेंगे, और हम आपसे अभी भी बात करेंगे, हमें एक दो दिन का टाइम दो बस, मैं आपको मैसेज या कॉल जैसा भी होगा वो हम करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वन सेकंड। सो गाइस भाई पता नहीं कितने बज रहे, 4-5 बज रहे होंगे शायद, शाम के 4:30 बज रहे होंगे। और सुन स्ट्रॉबेरी मत डालो नींबू, स्ट्रॉबेरी में सिर्फ काला नमक डालना, तो मैं किसी में भी नहीं डालती नींबू। तो अभी हम लोग खाएंगे भाई हमारा फ्रूट्स, और मैं आपको बता दूँ हम लोग फ्रूट्स में क्या खाते हैं। तो ये है हमारे पास भाई अमरूद, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे को थोड़ी पेट की प्रॉब्लम रहती है ना एसिडिटी की, तो मैं इसमें यार तो बहुत ज्यादा धूप आ रही है, तो मैं क्या करती हूँ कि अमरूद के अंदर काला नमक डाल के और हल्का सा नींबू डाल के ना उसकी चाट बना के खाती हूँ, जिससे कि मेरा पेट जो है वो थोड़ा सही रहता है, मतलब कि जो मेरी पाचन क्रिया है ना वो थोड़ी अच्छी रहती है। और रात को मैं खाती हूँ वो पपाया, तो उससे सुबह खुल के आती है। और फिर हमारे पास साथ में है ये स्ट्रॉबेरी, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम हमने आपको नैनीताल में दिखाया था कितनी मोटी मोटी थी, और यहाँ पे हम आजकल ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें मोटी मोटी ही मिल रही है स्ट्रॉबेरी, मजा आ रहा है भाई। कोई कोई छोटी है बट ऑलमोस्ट सारी मोटी मोटी है, तो इनका टेस्ट खट्टा नहीं है, अच्छा है टेस्ट इनका। हाँ मैं ये पूछ रही थी गाइस कि हमने यशंस मकबैंग में भी पूछ लिया, हम यहाँ पे भी पूछ लेते हैं दो दो चैनल में, एक्चुअली हम ये सोच रहे हैं कि अब से हम जो भी मकबैंग करेंगे ना तो उसकी हम जो भी रेसिपी बनाते हैं घर पे उसको हम उसको भी हम यूट्यूब पे डालें, मतलब फुल वीडियो पूरा पूरा वीडियो डालें और आपको बताएं कि मतलब कैसे क्या चीज यशु बनाती है, और उसको उस वीडियो को हम डालें अनस्टॉपेबल यशल्स, ठीक है, मतलब कुकिंग के वीडियोस जो होंगे। तो आप कमेंट करके बताओ हमें कि हम ऐसा करें, क्योंकि आप लोग बोलोगे तो ही हम इतनी मेहनत करेंगे भाई, क्योंकि मेरी हालत फिर खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास हो जाएंगी बहुत सारी चीजें एडिट करने के लिए, समझ रहे हो, बहुत सारा कॉन्टेंट हो जाएगा एडिट करने के लिए, मेरा तो पूरा दिन ऐसे जाएगा कि बस फोन इसलिए। तो आप लोग बताओ कि अगर आप लोग देखोगे रेसिपी तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे कि हाँ भाई हम रेसिपी देखेंगे फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, तो आप लोग हमें बताओ। क्योंकि बेसिकली देखो गाइस बात ये है कि कोई फायदा तभी हो ना, हम इतनी मेहनत तभी करें ना जब हमको पता है कि आप लोग देखोगे, ठीक है, अननेसेसरी बना के क्या फायदा कि भाई हम बना रहे हैं आप लोग ना पसंद करो, क्योंकि मैं देख रही हूँ पिछले 3 सालों से मैं कुछ बनाती हूँ तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग बोलते हो कि इसकी रेसिपी हमको दो बताओ कैसे बनाया ये, तो मैंने इसलिए डिसाइड किया मतलब हम दोनों ने कि भाई हम लोग करते हैं ये वाला। कि 22 जनवरी को हमारी बिल्डिंग में भी वो क्या बोलते हैं दिवाली, एक तरह से बोल रहे हैं ना दिवाली मनाएंगे, तो हमारी बिल्डिंग में भी उस दिन सुंदरकांड का पाठ है, और ये देखो बैनर जय श्री राम। पापा जैसा तो कोई भी नहीं होता, मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, पापा को बहुत तारु करती है, मम्मा को नो काटू काटू, मम्मा को प्यार करती है ना, मम्मा तो इतनी सुंदर होती है, मम्मा तो इतनी प्यारी होती है। चल शूट कर ले। आपने क्यों पैर अपने ऊपर कर रखे हैं? नहीं मम्मा बहुत सुंदर मम्मा। तो गाइस हम नीचे वॉकिंग करने गए थे हम अभी वॉकिंग करके हम आ गए ऊपर, आजकल हमारा थोड़ा सा अच्छा कमेंट करके बताना वॉकिंग वर्ड कितने लोग जानते हैं। हाँ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग नए आए ना शायद उनको पता ही नहीं होगा, ये हमारे ब्लॉग की शुरुआत का शब्द है, तो बताना भाई वॉकिंग कितने लोग जानते हैं बताना। और भाई हमारा जो भी डिनर विनर था वो हो चुका है, हमारी जो भी हमको लेना था वो हम ले चुके हैं, और अभी फिलहाल साहिब के साथ खेल रहे थे, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा भी अगर हमें दर्द हो जाए इसको टेंशन हो जाती है, सोचते मेरे मामा भाग गए को छोड़ के। हाँ मम्मा तो बहुत सुंदर होती है, मम्मा तो मिस यूनिवर्स होती है, मम्मा जैसे तो कोई भी नहीं होता, टाइप की मम्मा तो इतनी प्यारी है, सुबह भरोसा नहीं जाओ मेरे मुंह पे झपट्टा मारे, हाँ मेरी बेटी, हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग कह रहे थे तुम बिल्ली पालोगे तुम। तो भाई अभी मैं डुगू को से ये बोल रही थी कि डुगू अपन मतलब कि सारे के सारे ज्योतिर्लिंग साथ में करते हैं, तो हालांकि 2 ज्योतिर्लिंग हम साथ में कर चुके हैं, मैं तो 3 कर चुकी हूँ, तो बाकी के भी करते हैं हम लोग ज्योतिर्लिंग साथ में, तो मुझे अच्छा लगता है जब हम दोनों के बारे में मैं देखती हूँ ना चीजें, तो हमको अच्छा लगता है क्योंकि हमको ना अलग वाइब्स पसंद है, ऐसे तो आजकल पूरा देश ही भक्ति भाव में डूबा हुआ है और अच्छा लग रहा है बहुत देख के। और मेरे को शुरू से ही मैं बचपन में भी बहुत पूजा करती थी छोटे बचपन में, कि भाई वो पूजा पाठ करना ज्यादा पसंद था, तो अभी भी वैसी ही रहती मेरी चीजें तो। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के ब्लॉग में मैंने बताया नहीं कि आज है आदित्य का बर्थडे मेरे भाई का, और मतलब मैंने तो विश कर दिया था उसको, चारा आज थोड़ा ज्यादा परेशान था वो, बाकी कुछ नहीं हो जाएगा कोई बात नहीं, थोड़ा टेंशन में था
और भाई साहब अपना बर्थडे मनाते नहीं है। मैंने कहा कि इस बर्थडे मनाता क्यों रही है तू, कहते नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगता बर्थडे बर्थडे मनाना। अरे क्या करेंगे मना के, बढ़िया लगता, अरे नहीं बढ़िया लगता, ऐसे से करता रहो। हमने कहा कि भाई चल मना ले, कहते नहीं कोई बात नहीं, जब हम लोगों के साथ में तब मनाएंगे बढ़िया तरीके से। भाई कल हम अपने अंदर वाले रूम की थोड़ी हालत सुधारे, क्योंकि उसकी हालत थोड़ी सी गंभीर हुई पड़ी है, क्योंकि कपड़े बहुत सारे धोए थे आने के बाद, और वो तो मैंने फोल्ड कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कपड़े, तो पूरा बंच एक अंदर पड़ा हुआ है जो हमें पूरा फोल्ड वोल्ड करके अंदर लगाना है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे कपड़े अलमीरा में ऐसे है, भागना है इधर से तेरे को, भागना है। क्या किया दिख रही है दरवाजे में, देख लो। ओ दीदी गंगा जल इसने ऐसा बदतमीज है, देख ले खाली बेचे सर है ना, खाली बेचे सर खाली, तुझे मुझे पता है। मैं करूँ बताना जरा, मैं इसका आप हर रोज बोल देते हो कि मैट पे तो किया है, अब बताना जरा वहाँ पे ही, वहाँ पे मरने में इसको क्या हो रहा था यार, बाहर जाने में दरवाजा खुला पड़ा है, बालकनी खुली पड़ी है, क्यों नहीं किया बाहर सो सुडोकू, इतना प्यार करने के बाद घर से निकालो, पहले इसको पहले घर से निकाल दो, वरना मैं चल जाती अपना मुंह काला करके यहाँ से, ये तो इसको घर से निकाल दो, तू ही रहेगा या तो मैं ही रहूंगी बस। मैं बात करूँ जो बारा ज्योतिर्लिंग जाने की, ये यहाँ पे गंगा जी चढ़ा रहे हैं, जिंदगी नरक करके तुम बिल्ला जहाँ से लाई थी वापस छोड़ के आओ, सब को दे के आओ, इसी बात पे सबको नहीं चाहिए ये सब बात। अब आवाज भी नहीं निकलेगी, यार ये कितना मर्जी प्यार कर लो यार, बिल्कुल ऐसा बदतमीज है ना, देख लो गूंगा हो गया बिल्कुल, अब इसके गले से जब आवाज थोड़ी निकलेगी कंजर के, अभी मैट दो यार दोस्तों की परसों मैट दो, उससे पहले क्विल्ट दो, फिर उससे पहले क्विल्ट दो, यार मैं क्या धोती फिर, इनके ऊपर कर देता है ग्रीन ग्रास के ऊपर, यार जिंदगी खराब कर रखी है। उस दिन यहाँ पे कपड़े रखे तो उनके ऊपर कर दे, टॉवल के ऊपर कर दे, तुमने मुंह पोछ लिया सुसु वाले टॉवल से, यार ऐसे थोड़ी होता है डुगू, दो जगह पॉटिंग पर रखी मस्त, और पॉट बीच में रखा है सजा हुआ, उसको सजा रखा है दहेज में लेके जाएगा अपने, बिल्ली की पॉटी करने की भी वो सामान मंगा रखा है, उसमें पॉटी करता है वो, उसी में सुसु पड़ता है, क्या बताऊं उसी मांगता, उसी में भी नहीं आता नीचे आते, कहते साफ करो मेरी टट्टी, टट्टी भी ऐसी है साला, वो क्लोरोफॉर्म सारा सिखाना पड़े किसी को टट्टी सिखाना, तो हमें भी रोज हो जाए साल दो साल में पूरी जॉनसन बेबी की वेट वाइप खत्म हो गई उसकी पॉटियां साफ कर करके, यू घर अंबानी की औलाद नहीं, परफ्यूम और डीओ लगाते लगाने के लिए कि बॉडी बंदा अपने शरीर पे लगाएगा, हम इसकी सुसु पॉटी की जगह में डालते हैं कि भाई बदबू ना आए, कि भाई अब नॉर्मल फील हो। मैं तो सच्ची बता रही हूँ, मैं तो कुछ दिन पागल हो जाऊंगी, मैं तो पागल खाने चल जाऊंगी किसी दिन, हालात मेरे यही रहे तो, अगर फिर क्या करूँ यार, अंदर जा अंदर मैट पे सुसु किया था, वो मैंने पता तुम्हें बॉडी वॉश डाल रखा है उसमें, डव शैम्पू डाल रखा है उसमें, साबुन से सुबह धो चुकी थी ऑलरेडी, फिर भी सुसु की बदबू आ रही है उसमें। अब बताना जरा मैं क्या करूँ, बाथरूम में भी मुझे बैठना पड़ रहा है सुस्तु करने के लिए, क्योंकि इसमें सुस्तु के बाद बू आ रही है इसकी, जिसपे इसने डोरमैट पे सुस्तु किया था यार, एक मैट सुखाती हूँ दूसरे पे मूत देता है, मैं क्या करूँ यार ऐसा कैसे चलेगा, इसके वजह से मैं इस घर के अंदर एक सोफा नहीं ला पा रही, कि मैं क्या करूंगी उस सोफे को लाकर इस पे भागेगा और मूतेगा बैठ के, फिर तो बुआ ही कह देती कि हम क्या करेंगे तेरे यहाँ के, तुम्हारे तो बिल्लियां बेड पे सोती हैं, उसी पे मूतती है उसी पे तुम बैठते हो, मैं क्या कहूँ बताओ क्या करें हम इसके मूत का, इसको इसको कोई वो थोड़ी लगा सकती हूँ मैं एल्फी के बंद हो जाए सुसु पॉटी आनी उस बेचारी की, फिर जिंदगी जब से तुम आई हो ना सब वो कुत्तों ने सुसु पॉटी करती होती थी, मैं बैंक से आती थी रात को घर हथकी हारी बेचारी भूखी प्यासी सुबह से निकली हुई, और सुबह बैग रखते ही सुसु पॉटी साफ करती थी, मेरे को गालियां पड़वानी चाहती थी, इतनी सुसु पॉटी साफ करती भाई दे देना मुझे गाली यार, कि अब ये बिल्ला की हम दोनों की जिंदगी में यही सबसे महान बनी हुई है और इसी की वजह से हमारा रिश्ता चल रहा है, विक्की जैन बन रही हो ना तुम, अब विक्की जैन बनने की कोशिश ना मेरे सामने करते है भाई, तू क्या ज्यादा सुपीरियर दिखाती है ना, सुपीरियर मेरे को तो सुपीरियर का मतलब तक नहीं पता क्या होता है, अपनी बातें बोल देती ना इसलिए भाई हम बोलते नहीं तो हम भाई ऐसे हो जाते हैं कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, बताओ क्या किया है तुमने, एक को सबसे पहले खुजली कुत्ता लेके आई थी मेरी जिंदगी में, तुम्हारी माँ ने मेरे ऊपर बिल फाड़ दिए, उसके बाद दूसरा कुत्ता लेके आई फिर मेरी जिंदगी में बिल फाड़ दिए, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा सकती उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती, फंसा कौन मैं, कहाँ जा रही है तू, अरे पहले व्लॉग तो एंड कर ले, दिखाते हैं हमारी जिंदगी असली वाली, ये देख लो ये मेरे हाथ है सेलिब्रिटी के ब्लडी, आ जाओ
ये ब्लडी सेलिब्रिटी का सुसु है, बहुत गंदी बदबू आती है इसमें से। खोल के साफ करना पड़ेगा। कर रही हूँ ना, अभी रुक जाए, पर धोके में तो मारना पड़ेगा। बहुत दुखी हो गई हूँ मैं, ये देख लो फिर बिना मोटर चलाए पानी नहीं आता, ये मुंह तर आएगा यूं कर करके। अब यहाँ से इसमें से ऐसे पानी डालूंगी मैं। जी मैडम, और क्या क्या तकलीफें हैं आपकी जिंदगी में बताइए। वो देखो तकलीफें, मैट भी गा रखी है जो। जी दिखाइए एक मिनट। वो सब्जी का झोला टंग रहा है, सुसु करा था वो धोया था मैंने मेरे लग से, नहीं हो पा रहा था भाई। अपने घर में सैपटॉप के बैग भी इकट्ठे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें घुस के बैठता है फिर सुसु करके बाहर आ जाता है। जी मैडम, जी मैडम बताए, मैडम बोलते रहे साथ साथ में। अरे भैया रुक जाए मैडम, कॉन्टेंट भी चाहिए मैडम। मैडम कॉन्टेंट साफ ही कर, इसी बात दरवाजा साफ हो जाएगा। जान के आई जल्दी की। और अच्छा तो मेड से साफ नहीं करवाते क्या मैडम आप? भैया मेड खाली पैसा लेती घर आने का। मैडम क्या कहना चाह रहे हैं मेड के बारे में? मेड के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मेड कहती है पैसा बड़ा बड़ा काम नहीं करेंगी, काम छोड़ के चली जाएंगी। कहती है हमको बहुत काम है, हम तो खाली बैठे हैं दिन रात। गाइस जी घमासान के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरी जिंदगी के ऐसे किस्से और जानना चाहते हैं और लाइव देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। मैं आपको वो अन देखे किस्से जरूर दिखाना चाहूंगी मेरी जिंदगी के, जो आप ये सोचते हो कि ये सेलिब्रिटी है 10 मिनट का ब्लॉग में मजे कर रहे हैं हंस रहे हैं रो रहे, लेकिन आपको बिहाइंड द सीन दिखाना चाहूंगी गाइस, जो शीशे में होती रहती है ये हराम ज्यादा ना जिंदगी हराम। अभी रात को 2 बजे तक ये ऐसे ही करता रहेगा, टियाऊ टियाऊ टियाऊ। उसके रात को 2 बजे के ऐसे करने की वजह से मुझे सुबह 7 बजे का अलार्म बंद करना पड़ता है और उस वजह से मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ। चक्कर आ गए। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।